और ओवरऑल क्या बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस पे बताएं? जाहिर है टीम 11 लोगों की है, लेकिन इन दो का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, इसलिए मैं इससे पूछ रहा हूँ। देखिए काफ़ी बात हुई है बाबर आजम और रिजवान की के एक तो ये सर्किल में उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेलते जिस तरह खेलनी चाहिए 6 ओवर के सही है। तो इसका मतलब साफ एक नज़र आता है कि शायद कहीं ना कहीं ये इनकी कोशिश होती है कि हम अपने रन कर लें जिस तरह वो खेलते हैं 12 ओवर तक। लगता है ऐसा? देखिए 12 13 और 14 ओवर तक खेल रहे हैं और स्ट्राइक रेट भी उनका कम है, एवरेज भी उस लेवल की बात आने वालों पे बहुत एडिशनल प्रेशर है, तो ये तो फिर हमें बोलने की जरूरत नहीं है, तो फिर उनको खुद सोचने की जरूरत है ना कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरों पे प्रेशर आता है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा बोल दिया बस यही शायद लोगों को समझ आ जाएगी कि बोलने का क्या मतलब है। अच्छा लेकिन सॉरी आपकी बात में ऐड करते हुए, जब वो एशिया कप वाला हारे और सकलेन मुश्ताक साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं बैठा वहाँ पे, तो मुझे भी, मैं कोई ज़ाहिर क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, सब तो आप लोग हैं, लेकिन मुझे ज़रा हैरत हुई कि जब यही सवाल पूछा गया उस वक्त भी यही सवाल कि भाई आपका स्ट्राइक रेट ये वो, तो उसको इतना ओवर सिंप्लीफाई किया, उन्होंने कहा भाई हर टीम का एक अपना स्टाइल होता है खेलने का, तो बस ये अभी इनका स्टाइल है बट ठीक है बस सही है, तो अपना स्टाइल तो चेंज करना पड़ता है ना गेम के हिसाब से। नहीं तो जिससे सवाल किया गया वो कौन सा मेरिट पे आके बैठा हुआ है, वो अगर प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकता है, हेड कोच जो हमारा है वो तो खुद भी तो मेरिट पे नहीं है ना। बात ये है कि ये वो लोग हैं जो ला के बिठा दिए जाते हैं, बगैर इनकी कोई परफॉर्मेंसेस कुछ भी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये लोग, जब मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब हारेगी टीम यही आके बोलेंगे कि जी हार गए तो क्या हुआ, अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देंगे, ना कप्तान आने देगा, ना हेड कोच आने देगा, ना बैटिंग कोच आने देगा, ये लोग बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। और अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, देखें ये सिलसिला बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है, मैं सुनता हूँ लोगों को छुपाने की कोशिशें करते हैं, खुल के बात नहीं करते, भाई छोड़ें दोस्ती यारी, सब कुछ छोड़ें, आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, जो चीज़ सीधी होती है उसको सीधी आके टीवी पे बात किया करें कि ये गलत है, ये मत सोचा करें मैंने उसके साथ क्रिकेट खेली, मैंने उसके साथ क्रिकेट खेली उसका नाम ले लूँगा वो बुरा मना जाएगा, नेक्स्ट टाइम मेरी उससे बात नहीं होगी, वो मुझसे फ़ोन पे बात नहीं करेगा, ये चीज़ें छोड़ दें भाई। पाकिस्तान ने आप सबों को नाम दिया है, ठीक है। मैं फिर ये बात बोलूँगा, मैंने अगर इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली भी होती ना तो मैं पता नहीं क्या हाल कर चुका होता जो अभी सबका हाल कर रहा हूँ। बात यह है कि सच बात कर रहा हूँ, दिलेरी से बात करें, रिस्क रोजी इज्जत ये अल्लाह ने देनी है, ये लोगों ने नहीं देनी भाई। सच बोलोगे आपका साथ खुद ही लोग देंगे, लोग खुद बोलेंगे कि वाकई यार उनके साथ खेला, उनके साथ उठा बैठा, ये सच बात करता है। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, हमारे क्रिकेटर जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड में जाने के लिए चुप करके बैठे रहते हैं, ना सच बात करते हैं, ना कुछ करते हैं, अपने दोस्तों को सेफ करते हैं। यही सारे क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड से जब हटके होते हैं ऐसी बातें कर रहे होते हैं, जब क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं चेंज होते हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तनवीर अहमद वाहिद ऐसा बंदा है जो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, कम खेली है क्रिकेट, ठीक खेली, सुने मेरी बात, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता। और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने मुझे ऑफर भी की थी, मैंने उनके साफ सामने मना किया था, मैं क्रिकेट बोर्ड में नहीं आना चाहता। उसकी रीजन ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कुछ बन गया हूं, मुझे अफसोस होता है अपने क्रिकेटर्स के ऊपर कि अगर मैं कम खेला हुआ क्रिकेट ये बात कर रहा हूं तो ये अपने मुफाद में क्यों नहीं सच बात करते। जी आदि भाई, क्या आप तनवीर भाई की बात सुने ना, आप क्यों काट रहे हो, बोलो तनवीर भाई, बात सुनिए, बोलो बोलो आगे बोलो, यही इतना बहुत है। अच्छा लेकिन अच्छा अभी इस बात से एग्री को डिसएग्री करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जरा रमीज राजा साहब है वो जब क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक नहीं था, अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे, खुल के बात करते थे और बिल्कुल ठीक है, उनका ओपिनियन था, उनको राइट था, जिससे कोई एग्री या डिसएग्री कर सकता है। अब जब वो चेयरमैन बने तो मैं आई अंडरस्टैंड कि ओहदे की कुछ मजबूरियां भी होती है तो वो खुल के बात ना करें, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अब अगर कोई वैसे ही खुल के बात कर रहा होता है या बल्कि बात नहीं कर रहा होता, सवाल भी कर रहा होता है, तो वो नाराज हो जाते हैं, वो यानी मैं क्या कहूँ, मतलब वो तप जाते हैं कि यार ये जैसे पता नहीं क्या गुस्ताखी हो गई। तो सर आपके लिए अगर एक चीज़ जायज़ थी, जो कि मैं समझता हूँ जायज़ थी, और अगर आज आप खुल के बात नहीं भी कर रहे तो मैं ये भी समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड हर ओहदे की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन फिर अगर कोई और सवाल कर रहा है तो उसमें नाराज़ तो ना हो जाए, तप तो ना आ जाए कि तुम भी ये बात ना करो।